नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु डॉट कॉम आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 अक्टूबर सन 2021 मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। याद रखिएगा, बाजारों के अंदर आपको तेजी हो रही है या मंदी, क्या आप मुनाफा कमा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका मुनाफा हमारा ध्येय है। कृषि जींसों के अंदर होने वाली बड़ी हलचल एवं शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार के अंदर आज क्या संभावना है, क्या संकेत है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियाँ 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन मुफीद यानी शानदार रह सकता है। लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आज आपके लिए दिन शायद मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियाँ हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि, मिश्रित रुख की ओर इशारा कर रहा है, आप सावधानीपूर्वक ट्रेड करें। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियाँ हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, दिन मुफीद है, लाभकारी है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब कृषि जींसों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आज गवार सीड के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है। इंट्राडे ट्रेड के अंदर यानी दैनिक ट्रेडिंग के लिए विशेष ख्याल रखें। याद रखिएगा दोस्तों, गवार सीड के अंदर लगातार संकेत मिल रहे हैं, लगातार सूचनाएँ मिल रही हैं कि इस बार पैदावार के अंदर कमी है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसान भी अभी माल रोक किन्ने में आमादा हैं और पूरा माल मंडियों में नहीं आ रहा है। हल्दी में भी आज इंट्राडे के अंदर कमजोरी की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। जीरा मजबूती दिखा सकता है, ध्यान रखिए। दोस्तों, प्याज के ऊपर हमने लगातार आपको अपडेट दी हैं। प्याज के अंदर 1.5 महीने पहले भी आपको हमने अग्रिम सूचना दी थी, अग्रिम विश्लेषण दिया था कि प्याज में तेज़ी की संभावना बन रही है, प्याज में मजबूती जारी रहने की संभावना है। क्या आने वाले 10 से 15 दिन के बाद प्याज के अंदर बड़ी गिरावट आने वाली है? विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था कृषि जींसों पर आज का विश्लेषण। अब शेयर बाजार में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हम लगातार आपको बैंक्स के अंदर तेज़ी की बात कर रहे हैं, मेटल्स के अंदर हम मजबूती की बात कर रहे हैं। आज भारतीय शेयर बाजार के अंदर संभवतः बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर तेज़ी देखी जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो, इनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त मेटल स्टॉक्स के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं, इसमें वेदांता प्रमुख रहेगा। दोस्तों, याद रखिएगा, शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, टाइमली प्रॉफिट बुक करना निहायत ही जरूरी है, अन्यथा आया हुआ मुनाफा हाथ से फिसल सकता है। दोस्तों, अब क्या संभावना बनेगी कमोडिटी वॉच यानी कॉपर के अंदर आज मजबूती की संभावना बन सकती है। कल कॉपर के अंदर बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी, लगभग 3-3.5% की बड़ी गिरावट कल कॉपर में देखी गई थी। आज इसके अंदर बाउंस बैक होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगले सप्ताह कच्चे तेल में बनेगी बड़ी हलचल, क्या होगी बड़ी तेज़ी या फिर मंदी, हमारे विशेष एपिसोड एवं लगातार हमारे प्रोग्राम्स को आप देखते रहिए। दोस्तों, एक विशेष बात, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, इसके अंदर आप अपनी क्षमताओं से अधिक अधिक काम करते हैं, अत्यधिक लालच या अत्यधिक पैनिक यानी घबराहट रखते हैं, तो निश्चित रूप से आइए बाजार आपके लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। सावधानी पूर्वक ट्रेड करें, अध्ययन करके ट्रेड करें, विवेक से ट्रेड करें, क्षमताओं के अनुसार ट्रेड करें, समय पर मुनाफा बुक करें, और यदि ट्रेड आपके विपरीत जा रहा है तो एक सीमा से अधिक बिल्कुल लॉस ना लें। ये इस बाजार की बुनियादी फंडामेंटल ज़रूरत है जो हर ट्रेडर एवं निवेशकों को के करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, आप हमारा ये प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों एवं रिसर्च के आधार पर देख रहे हैं। किसी भी प्रकार का नफ़ा या नुकसान, लाभ या हानि की जिम्मेदारी ना मेरी ना चैनल की होगी। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं अपने वित्तीय सलाहकार से भी जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका या साधन या टूल है जिसका प्रयोग सदियों से हमारे देश के अंदर होता आया है, चाहे वो मानसून हो, चाहे फसलों का उत्पादन हो या फिर कंजम्पशन यानी उपभोग हो। इसका सटीक विश्लेषण सदियों से हमारे देश में होता आया है और इसमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का योगदान सबसे बड़ा माना गया है। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमलों से हमारे
विज्ञान हमारा ज्ञान एवं संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि इसके अवशेष चारों तरफ बिखर गए हैं। हम पिछले लगभग 25 सालों से लगातार इन अवशेषों को, इन मोतियों के माला को एक जगह इकट्ठा करना, उसमें अनुसंधान और विश्लेषण और रिसर्च करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप भी यदि सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेज ऑनलाइन होती है और ये वीकेंड्स यानी शनिवार एवं रविवार को कंडक्ट होती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।